हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एपीएससी एग्ज़ाम 2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन देखने वाले हैं। इंग्लिश से लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 10, और यही 10 क्वेश्चन इस बार भी आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मतलब 10 क्वेश्चन फिक्स है कि इंग्लिश से आने वाले हैं। जिस तरीके से ईपीएफओ एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन फिक्स थे इंग्लिश से, इसी तरीके से यहाँ पे 10 क्वेश्चन फिक्स है। तो आपको इंग्लिश पे एक विशेष ध्यान देके चलना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स होंगे। और कुछ डिस्कस करते हैं इस पेपर में क्या खास थी। तो पेपर में देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स जो था वो था 100 मार्क्स का, और नंबर ऑफ क्वेश्चन थे यहाँ आपके 120। तो जो आप डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन पड़ा आपको लगभग 0.8333, ठीक है। तो 0.833 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। अब ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो चेंज हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। रीज़न क्या है? रीज़न था आपका ईपीएफओ एग्ज़ाम में। ईपीएफओ एग्ज़ाम में भी सेम कंडीशन था, लेकिन हुआ जो पेपर जो हुआ था उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन। तो ये चीज़ें हो सकती है, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो राउंड ऑफ करने में आसानी होता है मार्क्स को बढ़ा के। तो हो सकता है कि इस बार भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपको ना देखने को मिले, एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का देखने को मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी खास नहीं है, खास जो है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ताकि इससे आपको एक लेवल का पता लगे। क्योंकि इस 2015 के जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो लेवल है उससे आपको ज़्यादा ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर को यहाँ पे 5-6 साल हो चुके हैं। तो क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे। तो डिस्कस करते हैं इंग्लिश के सेक्शन से पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है, देयरफॉर ये जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी वर्जन में आपको नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, आई गेव हिम अ पीस ऑफ माय माइंड, इसका क्या इंडिकेशन निकलता है, ये क्या दर्शा रहा है आपको। ऑप्शन है अप्रिसिएशन, बी वार्निंग, सी ग्रीटिंग, या डी स्कॉल्डिंग। जो राइट आंसर है इसका वह आपका ऑप्शन डी स्कॉल्डिंग, ठीक है, डांटना। तो ऑप्शन डी स्कॉल्डिंग इसका राइट आंसर। जब आप किसी चीज़ से परेशान हो जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, किसी से जब परेशान के बाद उसे डांटते हो। तो यहाँ पे यही अर्थ निकलता है, आई गेव हिम अ पीस ऑफ माइंड, इसका अर्थ है डांटना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मीनिंग क्या निकलता है। अभी जो है एक सिंपल इजी क्वेश्चन है, क्लास 10 तक के जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वहाँ पे भी आपको ये वर्ड मिल जाता है ग्रामर बुक में। तो ये इजी क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, ब्लू ब्लड का क्या एक्सप्रेशन निकलता है। ऑप्शन है पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ऑप्शन बी है सैप ऑफ टीक वुड, ऑप्शन सी है एन एरिस्टोक्रेट, या ऑप्शन डी अ कॉस्टली ऑब्जेक्ट। देखिए, आपने मूवीज़ में सुना होगा एक डायलॉग है शाही खून, जैसे पुरानी अगर मूवी देखी होंगी आपने तो देखा होगा कि ये शाही खून नहीं है या ये शाही खून है, ऐसा डायलॉग्स होते थे पुरानी मूवीज़ में। तो यहाँ पे ये बिल्कुल वही कह रहा है ब्लू ब्लड। तो ब्लू ब्लड जो होता है वो यूज़ किया जाता है किसी एरिस्टोक्रेट के लिए, जो शाही घराने से होते हैं, रॉयल फैमिली से होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं ना जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे कहा जाता है ब्लू ब्लड। थर्ड क्वेश्चन है ही वॉज हॉइस्ट बाय हिज ऑन पैटर्ड, ही वॉज हॉइस्ट बाय हिज ऑन पैटर्ड, ये क्या रेफर कर रहा है। ऑप्शन है ही हैड प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ऑन प्लान्स टू हर्ट अदर्स, बी है ही वॉज हाई अप ऑन द पोल, सी ही वुड यूजली रन अवे फ्रॉम द ट्रबल, या ऑप्शन डी ही वॉज इनडिफरेंट टू हिज सराउंडिंग, इसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ही हैड प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ऑन प्लान्स टू हर्ट अदर, आपने किसी को हर्ट करने का प्लान बनाया और इस प्लान से आप खुद हर्ट हो जाते हो, उस सिचुएशन के लिए हम लोग ये फ्रेज यूज करते हैं ही वॉज हॉइस्ट बाई हिज ऑन पैटर्न, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वट इज ब्लड, ब्लड का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए अ नॉवल, ऑप्शन बी अ हिस्टोरिकल नरेशन, ऑप्शन सी अ पॉपुलर स्टोरी ऑफ फोक टाइम इन वर्स, या ऑप्शन डी म्यूजिकल कॉमेडी।
देखिए इसका जो आप कह सकते हो ये भी कुछ हद तक सही है, हिस्टोरिकल नरेशन एक तरीके का हिस्टोरिकल नरेशन होता है, लेकिन ये जो तरीका होता है ना वो यूज़ किया जाता है वर्स कविता के फॉर्म में, गाना सुनाने के लिए कोई फोक सॉन्ग जैसे आप सुनते हो उसमें क्या, जैसे आपने सुना होगा बिरसा मुंडा की स्टोरी को आज भी गाया जाता है उस रीजन में एज अ फोक सॉन्ग, ठीक है, कविताओं के माध्यम से सुनाई जाती है स्टोरी को, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बलाड़, ठीक है, अ पॉपुलर स्टोरी ऑफ फोक टेल इन वर्स, तो कविताओं के फॉर्म में जो आप किसी पॉपुलर स्टोरी को कहते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अ बलाड़। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पेलग्रिज्म मीन्स, तो जो पेलग्रिज्म वर्ड है यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देयर वाज एन एपिडेमिक ऑफ प्ले इन अ एरिया, ऑप्शन बी इट इज शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ऑप्शन सी इट इंडिकेट्स अ हैप्पी कम्युनिटी स्पिरिट लाइक अ प्लेइंग होली, ऑप्शन डी इट इज प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स एज वंस ऑन। तो पेलग्रिज्म का जो अर्थ होता है वो होता है किसी दूसरे के काम को अपना काम बना के प्रेजेंट करना, ऑप्शन डी पेलग्रिज्म का अर्थ होता है। आपको ये जो वर्ड है ये आपको जो एसपी बख्शी है वहाँ पे भी मिल जाएगा, और हर एक जो नॉर्मल बुक है इंग्लिश की वहाँ पे आपको ये वर्ड देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राइवलरी बिटवीन द टू क्लांस हैज़ बिकम वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स, तो वाटर अंडर द ब्रिज ये जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है द राइवलरी कंटिन्यूस, ऑप्शन बी इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट, ऑप्शन सी इट कनेक्ट्स द टू क्लांस, या ऑप्शन डी इट इज़ नॉट फॉरगेटन। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट, तो कोई चीज़ जो कि अतीत बन चुकी होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये आइडिया वाटर अंडर द ब्रिज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया गया है और उसका यहाँ पे लिख बताना है आपको, कह रहा है द टीचर गेव मी द बुक, और यहाँ और इस सेंटेंस को उन्होंने नंबरिंग करके बता दिया है, वेयर द वर्ड्स आर नंबर्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रेफरेंस कंसिडर ऑल्सो द इंसर्शन ऑफ अ सिंगल वर्ड ओनली, आपको एक सिंगल वर्ड है वो वर्ड कौन सा है ओनली इसको इंसर्ट करना है इस सेंटेंस में, इन टू दिस सेंटेंस टू इंडिकेट अ डिजायर्ड एम्फेसिस, ताकि एक डिजायर्ड एम्फेसिस निकाला जा सके, ठीक है, क्या मतलब है वो निकाला जा सके। वेयर शेल बी द वर्ड ऑफ बी इंसर्टेड इफ द एम्फेसिस इज टू बी, सिंपली यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें एक शब्द है इस जो शब्द कौन सा है ओनली इसको हमें इंक्लूड करना है सेंटेंस में, और हमें इससे कुछ डिजायर्ड एम्फेसिस निकालने हैं, और एम्फेसिस क्या है ऑन द रिसिपियंट, ठीक है, मतलब कि जोर होना चाहिए किस पे, रिसिपियंट पे। सेकंड है ऑन द यूनिकनेस ऑफ द आइटम, ओनली को ऐसे लगाओ ताकि जो आइटम है बुक उसकी यूनिकनेस का पता चले, और थर्ड है ऑन द गिवर, ओनली को ऐसी ऐसी जगह लगाना है ताकि जो गिवर है उसके बारे में एम्फेसिस हो, तो ओनली इनमें से कहाँ कहाँ लग सकता है, ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, बिटवीन 3, 4 आफ्टर 6 बिटवीन 2, 3 करके दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो यहाँ पे कह रहा है ऑन द रिसिपियंट, तो रिसिपियंट कौन होता है, देखिए द टीचर गेव मी द बुक, तो जो मी है वो रिसिपियंट है, इसी को मिल रहा है बुक, तो अगर इस पे हमें एम्फेसिस करना है तो ओनली को हम कहाँ लगाएंगे, ओनली को हम कहाँ लगाएंगे गिव और मी के बीच में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे तो 3 और 4 के बीच में लगेगा ओनली, तो आप यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो ऑप्शन नंबर 1 और B में 3, 4 है, और अगर आप देखो तो ये C और D को यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ऑन द यूनिकनेस ऑफ द आइटम गिवन, तो आइटम क्या है बुक है, और बुक के लिए अगर आपको एम्फेसिस करना है तो ओनली को कहाँ लगाओगे, तो आप ओनली को लगाओगे गिव मी द ओनली बुक यहाँ पे, है ना, तो आप नया जो ओनली हुआ वो कहाँ हुआ, ऑप्शन बी के लिए आफ्टर, अच्छा यहाँ पे
बिटवीन 5 एंड 6, ठीक है। तो ऑप्शन बी में यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन 5 एंड 6, तो ओनली कहाँ लगेगा, दी ओनली बुक यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है ऑन द गिवर, गिवर के लिए अगर गिवर पे अगर इम्फेसिस करना है तो ओनली कहाँ लगाएंगे, तो गिवर कौन है यहाँ पे, द टीचर, द टीचर क्या है, गिवर है, और यहाँ पे इम्फेसिस करना है तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैसे होगा, द ओनली द टीचर गेव मी द बुक, ठीक है, इसके लिए हो गया, द टीचर गेव ओनली मी द बुक, इसके लिए हो गया। और अगर यूनिटस के लिए देखा जाए तो द टीचर गेव मी द ओनली बुक, तो तीनों के लिए ये यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। और राइट आंसर जो इसके अकॉर्डिंग बन रहा है वो बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 5 एंड 6, और बिफोर 1। तो इस तरीके से एक लॉजिकल क्वेश्चन भी था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डायडेक्टिक, तो डायडेक्टिक का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है इंटेंडेड टू बी इंस्पिरेशनल, टीचिंग अ मॉरल लेसन, रिसीव्ड एज कॉमिकल, या शेयरिंग एन इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। तो गिवन में से बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। तो डायडेक्टिक का जो मतलब होता है वो होता है कोई सोशल इवेल जो होता है ना, इवेल, उसके खिलाफ एक मॉरल लेसन देना। फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन राय ने क्या करा था, राजा राम मोहन राय ने क्या करा था, सती प्रथा के विरुद्ध एक मॉरल लेसन देते थे, वो डायडेक्टिक थे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग अ मॉरल लेसन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मैसेज, और स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड परमिटेड द एड्रेसेस बाय द चीफ गेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंट बाय परमिट। जो चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने जब एड्रेस किया लोगों को, तो उन्होंने पीस और ब्रदरहुड की जो मैसेज था उसको परमिट किया, उसको परमिट किया लोगों के बीच में। तो इस परमिट का यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, सिनोनिम्स टाइप से यहाँ पे वर्ड मीनिंग पूछ रहा है आपसे, क्या अर्थ निकलता है। ऑप्शन है टू एडवोकेट, टू स्प्रेड ऑल ओवर, टू एंकर द स्टेबलाइज, या टू लीव अ परमानेंट इम्प्रेशन। देखिए यहाँ पे अगर आप ने नहीं भी पढ़ा है ये वर्ड का भी, तो आप सेंटेंस को अगर देखो ध्यान से तो आप इसका मतलब निकाल सकते हो। द मैसेज, वो जो चीफ गेस्ट था वो मैसेज क्या करना चाहता है, मैसेज हमेशा क्या किया जाता है, मैसेज को हमेशा फैलाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, टू स्प्रेड ऑल ओवर। तो परमिट का मतलब हो गया आपका टू स्प्रेड ऑल ओवर। लास्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग टू द फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ये जो कुछ सेंटेंसेस है छोटे छोटे, ठीक है, इनको आपको एक कंबाइन करना है और ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से कंबाइन करना है, ठीक है। पहला जो है वो लिखा हुआ है आइंस्टाइन वास, सेकेंड है एल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, 3 वीक इन अर्थमेटिक्स, और डी राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। इसको इस तरीके से निकालना है कि करेक्ट आंसर आपका निकल गया है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी। तो पहले यहाँ पे होगा एल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन वास, ठीक है, आइंस्टीन वास वीक इन अर्थमेटिक्स, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट ग्रामेटिकली एक स्ट्रक्चर होगा इस सेंटेंस का, और राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो 10 क्वेश्चन हमने किए इससे आपको आइडिया लगाना है लेवल ऑफ क्वेश्चन का। अब इससे तो कह सकते हो इसके इतना जितना ही या इससे थोड़ा हार्ड ही पूछा जाएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि लास्ट ईयर देखो जो एग्ज़ाम हुआ था EPFO का, उसमें इंग्लिश का जो लेवल था वो बहुत ही लो था, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सिनोनिम सिंटैग्म से ही पूछे गए थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन तो वही हो गए थे, तो काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा आपको रिजिड तरीके से फॉलो नहीं करना है, जैसे कि EPFO में किया गया था कि लेबर लॉस ज़्यादा आएंगे,
सिक्योरिटी ज़्यादा आएंगी, इस तरीके से आपको कोई एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करना है। कुछ भी पूछा जा सकता है और कितने भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएगा, लेकिन इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे ये बात फिक्स है। और इसका जो लेवल होगा वो मॉडरेट टू हाई ही रहेगा, तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से करना है। तो इन चीज़ और इसके साथ आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। खासकर यहाँ पे वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा जोर दिया गया है, क्वेश्चन जो वर्ड है वो ब्लड वगैरह देखिए काफ़ी स्टैंडर्ड यूनिक वर्ड है, तो ये सब पूछे गए यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर से भी देखना है, आपको पढ़ना है और वहाँ से न्यूज़पेपर से आपको वर्ड वगैरह निकालने हैं। तो ये था आपका EPFC 2015 के इंग्लिश के क्वेश्चंस, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सारे सेक्शन के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अलग अलग बाय पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये जो PDF है ये आपके टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।